नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश भाग्यफल और मैं हूं आपके साथ मनी शर्मा। और आज हम बात करेंगे दान की। धर्म शास्त्रों के अनुसार दान को बहुत पुण्य माना गया है। कहा जाता है कि दान करने से मनुष्य के कई पाप कट जाते हैं और उसे स्वर्ग की प्राप्ति भी होती है। शायद इन्हीं मान्यताओं को आधार मानते हुए दान को इतना महत्व दिया जाता है और समय समय से धार्मिक स्थलों या फिर मंदिरों में जाकर दान पुण्य कमाया जाता है। किंतु केवल धार्मिक स्थल पर ही जाकर दान क्यों करना है? क्यों ना दान घर के दरवाजे पर आए किसी जरूरतमंद के लिए किया जाए? शास्त्रों की मान्यता के अनुसार यदि आपके द्वार पर ये चार लोग आते हैं तो कभी इन्हें खाली हाथ ना जाने दें। और इसी विषय पर विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्योतिष आचार्य पंडित पुरुषोत्तम गौड़ जी। आचार्य जी, स्वागत। बिना कुछ खर्च किए अपने किचन से होम बेकरी बिजनेस करके 40,000 रूपए महीना कमा रही हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम आपको अभी डाउनलोड कीजिए। स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। श्री राम, जय राम, जय राम, मेरे राम की जय। तो आचार्य जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लेकिन उससे पहले हम दर्शकों को बता दें कि आपके मन में अगर कोई शंका है, सवाल है, हमारे साथ जुड़कर आप अपनी हर समस्या का हल आचार्य जी से जान सकते हैं इस नंबर पर कॉल करके जो इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश कर रहा है। नंबर है हमारा 0120715 3787, 0120715 3826। इन नंबर्स पर कॉल करके आप हमारे साथ जुड़िए और आपका जो भी सवाल है वो आप आचार्य जी से कर सकते हैं इस नंबर पर कॉल करके। और चलिए हम रुख कर लेते हैं अब आचार्य जी का। आचार्य जी, बेहद महत्वपूर्ण विषय हमने रखा है हमेशा की तरह आज, और बात आज हम करेंगे दान पुण्य की कि दान का महत्व कितना है। और जैसा कि शुरुआत मैंने जिक्र किया, आखिर मंदिरों में जाकर ही क्यों ना दान किया जाए? जो लोग हमारे घर में आते हैं उनको दान किया जाए। और चार लोगों के यहाँ पर हम जिक्र कर रहे हैं कि आखिर वो चार लोग कौन से हैं? मैं चाहूंगी विस्तार से आप जानकारी साझा करें हमारे दर्शकों के साथ। देखिए मनी जी, दान का बहुत बड़ा पुण्य माना गया है। कहा जाता है कि दान करने से मनुष्य के कई प्रकार के पाप कट जाते हैं और उसे मृत्यु उपरांत स्वर्ग की प्राप्ति होती है। शायद इन्हीं मान्यताओं को आधार मानते हुए हिंदू अनुयायी दान को इतना ज्यादा महत्व देते हैं। और धार्मिक किंतु केवल धार्मिक स्तर पर जाते ही दान करना इसलिए अच्छा, इसलिए ठीक होता है कि वो धर्म का और जरूरतमंद लोग वहां उपस्थित होते हैं। शास्त्रों की मान्यता के अनुसार यदि आपके द्वार पर कोई दान की अपेक्षा लेकर के आया है तो उसे कभी खाली हाथ मत जाने दें। दान करने से आपके घर में प्रसन्नता आती है और कुंडली के कई दोष अपने प्रभाव से हीन हो जाते हैं, ऐसा हम मानते हैं। और वही बात कर रहे हैं कि भिखारी यदि आपके घर पे आया है और दान के अपेक्षा लेके आया है तो कुछ भी आप उसे दें पर खाली हाथ नहीं। कपड़े हो तो कपड़े, खाने योग्य वस्तु हो तो वो, और धन है तो धन, लेकिन देना जरूर चाहिए। वही हम मणि जी बात करते हैं किन्नर। किन्नर यदि आपके घर पे कार्यालय के द्वार पर आए हैं और कुछ मांगते हैं तो उसे भी अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान करना चाहिए। कुंडली में पुत्र ग्रह को मजबूत मिलती है और धन और भाग्य का कारक माना जाता है, इसलिए किन्नरों को अवश्य दान दें। संभव हो तो उन्हें हरे रंग की कोई वस्तु दान दें, बहुत ज्यादा शुभ होती है। दिव्यांग की बात करें, यदि आपके द्वार पर कोई दिव्यांग व्यक्ति की मदद की भावना लेके आया है आप अपनी श्रद्धा के अनुसार दान दें, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ऐसे लोगों को शनि राहु का प्रतीक माना जाता है। इनकी सहायता, इन्हें कुछ दान करने से आपकी कुंडली में इन पाप ग्रहों का बुरा प्रभाव कम हो जाता है। चक महात्मा की बात करें, यदि आपके द्वार पर कोई महाकार या ज्ञानी व्यक्ति का, कोई संत महात्मा आदि का सम्मान होता है या
ज्ञात नहीं जाने देते हैं। धन की प्राप्ति के साथ साथ आशीर्वाद का प्राप्ति होता है। तो कहने को तो मनेगी ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन ये बड़ा प्रभाव रखने वाली चीजें हैं। और इसका बहुत बड़ा प्रभाव ये होता है कि व्यक्ति की मन भावना, व्यक्ति की मन अंतरात्मा वो प्रसन्न होती है। इस प्रकार से दान का मैं बिल्कुल सही कहा आपने आचार्य जी। और कौन कौन से वो चार व्यक्ति हैं जो कि आपके अगर दर पर आए तो उन्हें कभी खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए? दान का क्या महत्व है, दान करने से, दान पुण्य करने से कौन कौन से फायदे होते हैं, यही जानकारी आचार्य जी ने इस वक्त हमारे दर्शकों के साथ साझा की है। आचार्य जी हम कॉलर का रुख कर लेते हैं और पहले कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पे, इनका सवाल हम जान लेते हैं। नाम बताइए अपना। मैं जयपुर से मंजू बोल रही हूँ। मंजू जी आप जयपुर से बात कर रही हैं, अपनी जन्मतिथि बताइए। मेरी जन्मतिथि है 1967 8 अगस्त को 5:15 बजे का जन्म है मेरा। ठीक है। मैं ये जानना चाहती हूँ हमारे घर में मतलब कोई कहता है पितृदोष है, कोई कहता है देवदोष है, लेकिन हम समझ नहीं पाते कि क्या देवदोष है क्या पितृदोष है। अच्छा ठीक है। देखिए बैठिए, आपका हमारे भाग्यफल कार्यक्रम में बहुत स्वागत है। और आपने ये बात सही है कि कई बार व्यक्ति बने जी सब कुछ जानना चाहता है और खास तौर पे वो जानना चाहता है जिसके कारण परेशान हो रहा है, लेकिन सही मायने में उन्हें वो रास्ता नहीं मिलता, सही कभी नहीं होता कि क्या है क्या नहीं है, और वो परेशान होकर के इधर उधर भटकता रहता है। मंजू जी आपके घर में पितर हैं और ये पितर आपके तय नाम के हैं। आपका पत्ता उत्तर में देखता है, मैं पितरों का प्रभाव होने के कारण सब कुछ अच्छा होते हुए नहीं के समान हो रहा है। इसलिए मैं कोई आपको डरा नहीं रहा हूँ, मैं केवल आपको रास्ता बताने का काम करता हूँ। हम प्रत्येक व्यक्ति को भी यही कहते हैं कि हम केवल रास्ता बताते हैं, डराने का काम नहीं है, लेकिन बताएंगे नहीं तो कैसे पता चलेगा। आपके घर में पितरों के होने के कारण सब कुछ होते हुए नहीं के समान स्थिति बनी हुई है। घर में कलेश, घर में अनेक प्रकार की टेंशन है, घर में नाना प्रकार के दुखों को ये कहीं कहीं से घेरता है, या फिर कहें तो बनते बनते काम को अचानक और तब्दील कर देते हैं। और ये इसी को कहते हैं पितृदोष। पितृ क्या है, पितृ यही तो है पितृदोष। तो आप कृपा करके ये पितरों के लिए, अपने जो पितर आपके हैं इनके लिए यदि आप कर सकते हैं तो नियमित रूप से गंगा जल गौमूत्र लें और पीले फूल से पूरे घर में छिड़के और गूगल भक्ति दुआ प्रतिदिन करें, ये आपके लिए काफी ठीक रहेगा। बिल्कुल मंजू जी, उम्मीद करते हैं कि आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा और ये तमाम उपाय आप कर सकते हैं जो कि आचार्य जी ने साझा किए हैं। बहरहाल आगे हम बढ़ते हैं, अगले कॉलर कवर को कर लेते हैं। आचार्य जी नाम बताइए अपना। सुन पा रहे हैं जी? शिवपाल बोल रहे। सॉरी नाम बताइए अपना। शिवपाल। शिवपाल ठीक है। शिवपाल जी अपनी जन्मतिथि, समय और स्थान बताइए। मेरे लड़के के बारे में पूछ रहा है। ठीक है। 1991 पहले उनका नाम बताइए। और मेरा नाम है, आपकी आवाज स्पष्ट तौर पर नहीं आ पा रही आचार्य जी, आपको अगर पता चल पाया नाम क्या है। सावरण जी की आवाज मिल रही है, आप अपना उनका डेट ऑफ बर्थ बताइए और समय और शहर बताइए। 19/9/1991 1995 1995। अच्छा ठीक है। समय स्थान? समय स्थान अगोर। सवाल करिएगा अपना, आपकी शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही ढंग से, आवाज अपना सवाल करिए आप। सवाल करिए क्या चाहते हैं।
कन्या लगन में इन्होंने जन्म लिया है और शनि की महादशा और बृहस्पति का अंतर और चंद्रमा का प्रतंत्र वर्तमान में चल रहा है। ये बच्चा काफी इंटेलिजेंट है, समझदार भी है, लेकिन थोड़ा संगत पर ध्यान दीजिए, क्योंकि कई बार ऐसा देखने मिलता है कि जब राहु और मंगल दोनों यदि पराक्रम भाव में बैठते हैं तो व्यक्ति के पराक्रम को बिल्कुल जीरो बना देते हैं। तो बच्चा बहुत इंटेलिजेंट होते हुए भी अपना परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहा है या अपना प्रभाव नहीं दिखा पा रहा है, तो कृपा करके मंगलवार के दिन एक तो हनुमान जी को दीपक जलाने के लिए कहें और दूसरा आप इनकी संगत पर कंट्रोल करें, संगत अच्छी रहे इसके लिए वॉच करना चाहिए। और वैसे सही बात है कि इस उम्र में तो बच्चों को बहुत ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि ऐसे कई ग्रोह हैं जो छोटे बच्चों को गलत लत में डालते हैं और फिर उनका जीवन बहुत खराब होता चला जाता है। इसलिए आप कृपा करके बच्चों पर फोकस कीजिए जी। ठीक है, शिवपाल जी ने अपने बेटे को लेकर सवाल किया था, उम्मीद करते हैं शिवपाल जी आपको जानकारी मिल गई होगी। अगले कॉलर का हम रुख कर लेते हैं, नाम बताइए अपना। नमस्कार जी, मैं मनोहर बोल रहा हूँ। नमस्कार मनोहर जी, अपनी जन्मतिथि, समय और स्थान बताइए। हाँ जी, मेरा सवाल मेरी बेटी के बारे में है। बेटी का नाम है उत्तरांगना। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ है 2 अप्रैल 2007। ठीक है, समय 8:30 सुबह का जी। जन्म स्थान पाली, राजस्थान। ठीक है, सवाल कर सकते हैं आप। सवाल ये है कि बेटी का भविष्य कैसा रहेगा, उसे सरकारी नौकरी के योग है या नहीं, और उसे किस क्षेत्र में जाना चाहिए, उसका सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, बेटी 11 में पढ़ रही है। ठीक है, देखो मनोहर जी, चित्रांगा सबसे पहले बता दें कि दो बहन भाई होने चाहिए, मंगल की महादशा है, चंद्रमा का अंतर है, केतु का प्रतीत्र है, मेष लगन में जन्म लिया है। ये बच्ची को आप साइंस बायो दिलाइए, बहुत इंटेलिजेंट बच्ची है, बहुत समझदार बच्ची है, और निश्चित रूप से इसकी सरकारी नौकरी का लगने का नियम बनेगा। आप बिल्कुल भी चिंता नहीं कीजिए, लेकिन जिम्मेवारी को पूरे से निभाने का प्रयास कीजिए। बच्ची को साइंस बायो दिलाए, बच्ची को भगवान शिव को प्रतिदिन जल छड़ाने के लिए कहें, गुरु त्रिकोण का स्वामी होकर के अष्टम भाव में शुभ फल दे रहा है, और शुभ फल जब लगन का स्वामी है उसको आप आराध्य मानते हैं तो अवश्य लाभ होता है। और आप इनको हनुमान जी और शिव जी की पूजा करने के लिए कहें, बहुत मंगल शुभकामनाएं। तो बेटी चित्रांगना के लिए सवाल किया था और आचार्य जी का कहना है साफ तौर पर यही कि साइंस के क्षेत्र में उसे आप आगे बढ़ा सकते हैं। अगले कॉलर से हम उनका सवाल जान लेते हैं और नाम भी जान लेते हैं। नाम बताइए अपना। राम राम जी। नमस्कार, नाम बताइए अपना। मैं अपनी बेटी के बारे में पूछना चाहता हूँ। बेटी का नाम है दिव्या वर्मा, उनका डेट ऑफ बर्थ है 7 जुलाई 2007। दिव्या वर्मा, जन्म स्थान महेंद्रगढ़, हरियाणा, टाइम है 9:35। मैं जानना चाहता हूँ कि इनकी पढ़ाई कैसी रहेगी, आगे सरकारी नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, और अभी 10वीं में एग्जाम देगी, आगे साइंस लेना चाहिए या नहीं लाना चाहिए। आचार्य जी देखिए, आपका प्रश्न बहुत ही अच्छा है, बच्चे को साइंस लेनी चाहिए पहली बात, नंबर दो बात, इसका भविष्य बहुत अच्छा है, किसी प्रकार की टेंशन ना करें, और नंबर तीन बात कि ये बच्ची इंटेलिजेंट है, सुपर इंटेलिजेंट है, इसमें आपको कोई होना चाहिए, हरि दुर्वा गणेश को प्रति दिन चढ़ाने के लिए कहें, अवश्य लाभ होगा। आप बहुत मंगल शुभकामनाएं हैं, अवश्य लाभ होगा, और ये कहना है आचार्य जी का, उम्मीद करते हैं कि आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। अगले कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पे, इनका सवाल हम जान लेते हैं और इनका नाम भी जान लेते हैं। नाम बताइए अपना। नमस्कार जी, मेरा नाम मनोहर सिंह है। मनोहर जी नमस्कार, अपनी जन्मतिथि, समय, स्थान बताइए। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 11 दिसंबर 1979 जी, और समय है 11:30 दोपहर का। ठीक है, जन्म स्थान रतनगढ़। ठीक है, चूरू, राजस्थान। मेरा सवाल है कि मेरा कपड़े का व्यापार है, तो मेरा आने वाला भविष्य कैसा रहेगा और मुझे क्या उपाय समाधान करना चाहिए, पंडित जी को सादर प्रणाम। ठीक है, आयुष्मान
देखिए मनोज जी, आपका प्रश्न कुंभ लग्न में आपने जन्म लिया है, राहु की मा दशा है, राहु का अंतर है, शुक्र का प्रथमत्र है। वर्तमान में जो बात हम कर रहे हैं कि आपका समय कैसे रहेगा, समय तो आपका बिल्कुल ठीक है और संघर्ष और मेहनत तो करना होगा, लेकिन राहु की मा दशा आपको बहुत शुभ रहेगी। और ये बात सही है कि आपद जैसी स्थिति थोड़ा स्वास्थ्य को लेकर परेशान हो सकती है, ताकि बहुत शुभ रहेगा। और राहु दशम भाव पर बलि हो रहा है कर्म भाव में, तो ये भी यहाँ भी आपका सम्मान रहेगा। आपका समय ठीक है, आप मंगलवार का व्रत रखते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। और हनुमान जी को दीपक प्रतिदिन जलाने का कार्य करें, सूर्य भगवान को प्रतिदिन जल छोड़ाएं। तो चलिए आचार्य जी, कॉलर्स हमारे साथ जुड़े और आपने महत्वपूर्ण जानकारी, हर सवाल का जवाब उनका दिया। अब हम राशिफल का रुख कर लेते हैं और शुरुआत कर लेते हैं मेष राशि के साथ। आइए सबसे आज संत पुरुष का आशीर्वाद आपको मिलेगा जो मानसिक शांति प्रदान करेगा। बिना किसी की मदद के भी आप आज धन कमाने में सक्षम और क्षमता रखेंगे। जिस पर आप यकीन करते हैं मुमकिन है वो आपको पूरा सच न बता रहा हो। आपकी दूसरों को राजी करने की क्षमता आने वाली मुश्किलों को हल करने में कारगर साबित होगी। अपने प्रिय को समझाने की कोशिश करें। यदि आप नई जानकारी और क्षमताओं को विकसित करने की थोड़ी ज्यादा कोशिश करेंगे तो आज आपको बहुत लाभ होगा। आइए हम बात कर रहे हैं वृषभ राशि वाले लोगों के लिए। वृषभ राशि के जातकों को आज भावनात्मक तौर पर बहुत संवेदनशीलता की जरूरत है। इसे ऐसे हालात से बचे जो आपको चोट पहुंचा सकते हैं। अपने जीवन साथी के साथ मिलकर के आज आप भविष्य के लिए कोई आर्थिक योजना बना सकते हैं और उम्मीद है कि ये योजना सफल भी होगी। अपने बच्चों के साथ दोस्ताना रिश्ता विकसित करें। पुरानी बातों को पीछे छोड़कर आगे आने वाले अच्छे वक्त की ओर देखें। आपकी कोशिशें फलदायी रहेंगी। प्रेम निसंदेह आपको आगे बढ़ाएगा, लेकिन आज का दिन उसके लिए ठीक नहीं है। और अब बात कर रहे हैं मिथुन राशि वाले लोगों के लिए। आज अपने जीवन साथी के साथ गैर जरूरी टांग अड़ाने से बचें। अपने काम से काम रखना बेहतर रहेगा। कम से कम दखल दें, नहीं तो इससे निर्भरता बढ़ सकती है। दिन भर भले ही आप धन को लेकर जोड़ते रहें, लेकिन शाम के वक्त आपको धन लाभ हो सकता है। घरेलू कामकाज आपको ज्यादातर वक्त में व्यस्त रखें। घरेलू कामकाज को आज निपटाएं और दफ्तर के काम की ध्यान दें, से आपकी तारीफ होगी। और अब बात कर रहे हैं कर्क राशि वाले लोगों के लिए। आज जो भी करेंगे उसे आप आधे वक्त में ही कर देंगे। जितना वक्त आप अक्सर लेते हैं, परिवार के किसी सदस्य के बीमार पड़ने की वजह से आपको आज आर्थिक परेशानी हो सकती है। हालांकि ये वक्त आपको धन से ज्यादा उनकी सेहत पर चिंता करने की जरूरत है। वहीं आपको बता दें कि आज आपका दिन बहुत ही रोमांस के लिहाज से रोमांचक दिन है। शाम के लिए कोई खास योजना बनाएं, जितना हो सके इसे उतना रोमानी बनाने की कोशिश करें। पर बात कर रहे हैं सिंह राशि वाले लोगों के लिए। आपको जल्द जल्द अपने जज्बात को काबू में करने और डर से आजादी पाने की जरूरत है। सेहत पर असर डाल सकता है और अच्छी सेहत का मजा लेने से आपको वंचित कर सकता है। आकस्मिक मुनाफे या सट्टेबाजी के जरिए आर्थिक हालात सुधरण हो जाए। बात कर रहे हैं कन्या राशि वाले लोगों के लिए। अपने चार ऊर्जा को उन कामों में लगाएं जिनसे आपके सपने हकीकत के रूप ले सकते हैं। सिर्फ ख्याली पुलाव पकाने से कुछ नहीं होता है। अभी तक आपके साथ
समस्या यह है कि आप कोशिश करने की बजाय केवल इच्छा करते हैं। खर्चों में हुई अप्रत्याशित बढ़ोतरी आपके मन को शांति दल बदल कर रहा है। अगर आप अपने साथी के त्रियो को नजरअंदाज करेंगे तो आप हो सकते हैं दूसरों की दखलअंदाजी गति। आप बात कर रहे हैं तुला राशि वाले, आपने बीते समय में बहुत पैसा खर्च किया है जिसका खामियाजा आज आपको उठाना पड़ सकता है। और बात कर रहे हैं वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए, आज का दिन मौज मस्ती और आनंद से भरा रहेगा क्योंकि आप जिंदगी को पूरी तरह जिएंगे। किसी करीबी रिश्तेदार को मदद से आज आपका काम बनेगा, लेकिन ज्यादा खर्च न करें, परेशानी हो सकती है। अब बात करते हैं धनु राशि वाले लोगों के लिए, आपको लंबे समय से महसूस हो रही थकान तनाव से आज आराम मिलेगा। आज दिन की शुरुआत में आपको आर्थिक हानि हो सकती है, अपने परिवार की भलाई के लिए आज मेहनत करना ठीक है। और बात कर रहे हैं मकर राशि वाले लोगों की, जिंदगी के बेहतरीन चीजों को शिद्दत से महसूस करने के लिए अपने दिल और दिमाग के दरवाजे खोलें। चिंता को छोड़ना इसकी और पहला कदम है। आज रोमांस के लिहाज से बहुत अच्छा दिन नहीं है क्योंकि आप सच्चा प्यार ढूंढने में आज विफल रहेंगे। और बात कर रहे हैं कुंभ राशि वाले लोगों के लिए, आज कुंभ राशि के जातकों को जिंदगी के बेहतरीन चीजों को शिद्दत से महसूस करने के लिए अपने दिल और दिमाग के दरवाजे खोलने चाहिए। चिंता को छोड़ना इसकी और पहला कदम है। यात्रा आपको थकान और तनाव देगी लेकिन आर्थिक तौर पर फायदेमंद साबित होगी। दोस्तों के साथ शाम बेहद मजेदार और हंसी खुशी से भरपूर रहेगी। अचानक मिला कोई शुक्र संदेश निर्णय आपको मीटिंग में दे। और बात कर रहे हैं मीन राशि वाले लोगों के लिए, आज जिंदगी की बेहतरीन चीजों को शिद्दत से महसूस करने के लिए आपका समय बहुत अच्छा है। चिंता को छोड़ना चाहिए और व्यापारिक दंपतियों को आज अपनी संतान की शिक्षा और अच्छा खासा धन उनकी शिक्षा पर खर्च करेंगे तो भावी भविष्य आपका उज्जवल होगा। इस प्रकार से यह है आज की हमारी अपनी राशि फल। तो ये रहा आज का राशिफल और जातकों का दिन कैसा रहने वाला है। ये तमाम जानकारी आचार्य जी ने हमारे दर्शकों के साथ साझा की और कॉलर्स भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े, उन तमाम सवालों के जवाब भी आचार्य जी ने हमारे दर्शकों के साथ साझा किए हैं। आचार्य जी, दरअसल एक सवाल आपसे रहेगा, संक्षेप में जानकारी चाहूंगी, उसके बाद हम यहाँ पर पेशकश को विराम लगा देते हैं। जानकारी यही कि दान किन किन वस्तुओं को करना चाहिए, संक्षेप में अगर आप बताएं। देखिए, अभी जैसे सर्दी का मौसम है तो इस समय जो गरीब जरूरतमंद लोग जो वार्ड के लिए सोए रहते हैं उन्हें उन्हीं वस्त्र आदि दान करना चाहिए। और वैसे मैं चाहूंगा कि जो अपंग ऐसा है तीन लोग हैं उनका सहयोग करना चाहिए, जो बच्चे पढ़ने लायक है उनकी पढ़ाई में सहयोग करना चाहिए। यदि भगवान ने आपको सामर्थ्यता दी है, अब प्रभु ने आपको बनाया है तो जरूर करना चाहिए। इसी के साथ ये भी बताना चाहूंगा कि विशेष स्तर पर दान जरूरतमंद को देना चाहिए, इससे बहुत आपको लाभ होता है और आपका भविष्य। आचार्य जी, आपने महत्वपूर्ण जानकारी साझा की हमारे साथ जुड़े आप इस खास पेशकश में, बहुत शुक्रिया आपका। जी शुक्रिया। और इसी के साथ भाग्यफल में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। बिना कुछ खर्च किए अपने किचन से होम बेकरी बिजनेस करके 40,000 रुपए महीना कमा रही हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।